हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ डेनवा। सो वी वर डिस्कसिंग आवर वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 इन 7 चैप्टर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो आई थिंक आपने भी बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे या सर करेंगे, वही करेंगे हम। बोलो रे, देखो बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या बोल रहा है, देर आर 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन एंड यू हैव टू चेक कि वो आइसोसेल्स के क्या हैं, वर्टेक्स है क्या। तो अगर टू साइड्स इक्वल आ जाएगी तो वो आइसोसेल्स के वर्टेक्स हो जाएंगे। तो देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 5.2, 5.-2, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या आ गया 6.4, एंड बच्चों जो थर्ड कोऑर्डिनेट 5.-2 6.4, और जो थर्ड वाला कोऑर्डिनेट है वो 7.-2, ठीक है। अब हमें चेक करना है क्या ये आइसोसेल्स के हमारे क्या हैं, वर्टेक्स है क्या। तो बच्चों ध्यान दो, हमें ए बी निकालना होगा पहले, तीनों साइड्स निकाल लेते हैं हम। ए से बी 6-5 कितना आता है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4-2 6 हो जाएगा, वो 36 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी कितना आ रहा है, √37 यूनिट। अब बी सी निकाल लेंगे हम, 7-6 1 आ गया, −2 −4 −6 स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा √37, ठीक है। बी सी के बाद में बच्चों सी ए निकालेंगे हम। तो देखो 5-7 −2 उसका स्क्वायर होता है 4, ठीक है, −2 और वो 0 हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया 2। तो बच्चों ध्यान दो, फिर से देख लो, 7-5 स्क्वायर होता है और वो 0 हो गया। तो क्या टू साइड्स हमारी इक्वल आ रही है, इट मींस वो आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। अगर तीनों साइड इक्वल आती तो वो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाता। लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज़ वर्किंग फाइन एंड फोकस इज ऑल्सो नाइस, ठीक है बच्चों। अब हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बच्चों, वो 5 है। देखिए बच्चों क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन में, 4 फ्रेंड आर सीटेड एट पॉइंट ए बी सी डी इन फिगर 7.8। बच्चों बुक में क्या है, फिगर गिवन है, यहाँ पे 4 फ्रेंड्स है ए बी सी डी, चारों बैठे हुए हैं। आगे क्या कह रहा है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली क्लास में आते हैं और उन 4 को ऑब्जर्व करके क्या बोलती है चंपा, चंपा आस्क चमेली डू यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। चंपा चमेली को क्या बोलती है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये चारों बैठे हुए स्क्वायर बना रहे। तो चमेली बोलती है नो, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से बताइए आप क्या कौन सही है उन दोनों में से, चंपा सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे। देखो बच्चों ए वाला पॉइंट आपको यहाँ पे ए वाला पॉइंट दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पे 4 है, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 3.4। सिमिलरली बी के कितना 6.7, सी के कोऑर्डिनेट है 9.4, डी के कोऑर्डिनेट है 6.1। तो हम चारों के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं बच्चों, फिर हम चेक कर लेंगे कि स्क्वायर बन रहा है क्या। तो ए के कोऑर्डिनेट बच्चों यहाँ पे कितने दे रखे हैं, हमने डायग्राम से देख लिया ए के कोऑर्डिनेट है 3.4। बच्चों बी के कोऑर्डिनेट भी हम डायग्राम से देख लेते हैं, वो आ रहा 6.7, और सी के कोऑर्डिनेट बच्चों हम डायग्राम से देखेंगे 9.4, और बच्चों जो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा आपका 6.1, ठीक है बच्चों। अब ये आपको ध्यान रखना है, डी के कोऑर्डिनेट हो गए 6.1। अब हमें पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर, चारों साइड इक्वल आनी चाहिए और डायगोनल भी इक्वल आनी चाहिए। तो सपोज करो यही स्क्वायर है आपका जिसके चारों कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हमें सबसे पहले ए बी निकालना होगा। 6-3 सर 3 होता है, उसका स्क्वायर होता है 9 प्लस 7-4 भी 3 होता है, उसका स्क्वायर भी होता है 9, कितना आ गया ये √18। आगे यूनिट आप लिखोगे बी सी, 9-6 3 होता है, उसका स्क्वायर 9 होता है, 4-7-3 उसका स्क्वायर 9, √18 आ गया, ठीक है। फिर निकालेंगे सी डी, 6-9 −3 होगा, उसका स्क्वायर 9 होगा, 1 में से 4 गया
माइनस थ्री आएगा, उसका स्क्वायर भी 9 होगा। सी डी के बाद आप डी ए निकाल लें, 6 माइनस थ्री उसका स्क्वायर 9, 1 माइनस फोर माइनस थ्री उसका स्क्वायर भी 9, कितना आ गया √18। ठीक है बच्चों, क्या चारों साइड इक्वल आ रही है? बट वो रोम्बस भी तो हो सकता है, बट अब हमें डायगोनल भी चेक करना पड़ेगा। तो तुम्हें पता है ये आपका स्क्वायर है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। डायगोनल एक तो ए सी होगा और दूसरा बी डी होगा। तो ए और सी में देखो, 9 माइनस थ्री 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर 36, प्लस 4 माइनस फोर 0, 0 का 0 ही रहेगा, तो 36 ये ए सी 6 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो बी डी दूसरा वाला डायगोनल निकालेंगे, 6 माइनस सिक्स 0 उसका स्क्वायर 0 ही होगा, 1 माइनस सेवन 36 हो गए। तो बच्चों ये कितना आ गया, ये भी 6 आ गया। इट मीन्स चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल इक्वल है। इट मीन्स वो चारों क्या बना रहे हैं, जो क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट है वो स्क्वायर बना रहे हैं। इट मीन्स चंपा क्या थी आपकी, सही थी। ठीक है, दोनों में से कौन करेक्ट था, चंपा सही थी, क्योंकि चंपा ने बोला था कि वो स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों सिक्स वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3 क्वेश्चन गिवन है उसमें, और वो क्या कह रहे हैं, और उनके सबके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपको फाइंड करना है वो कौन से क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सर आपने हमें पहले ही बताया, अगर स्क्वायर के होंगे तो 4 साइड्स इक्वल होगी एंड डायगोनल विल बी इक्वल। अगर रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल इक्वल। इफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल। एंड नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आपने क्या बताया, रोम्बस, 4 साइड इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल। इज इट क्लियर बच्चों? अब ध्यान दीजिए, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे सिक्स्थ में, 1 सिक्स्थ में हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, बाकी आप दोनों करेंगे। जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने फर्स्ट पार्ट किया, तो देखो आपका एक कोऑर्डिनेट मान लो, उसको ए मान लो -1, -2। बी कोऑर्डिनेट को मान लो 1, 0। बच्चों सी कोऑर्डिनेट को क्या मान लोगे आप, -1, डी कोऑर्डिनेट को क्या मान लोगे, -3, 0। फिर से कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, एल्स वी कैन मेक ए मिस्टेक इन कैलकुलेशन। -1, -2, -1, -2, -3, 0। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ से सपोज करो ये किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स हैं, तो हम पहले ए से बी निकाल लेते हैं, 1, -1, 0 नहीं होगा, -, प्लस हो जाएगा, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो फर्स्ट ए बी से आ रहा है √8। अब ध्यान दो बच्चों बी सी निकालेंगे हम, फिर से चेक कर लो, 2 हो गया और वो 2 हो गया, 4 आ गया, -1 और -1। ठीक है, कितना हो जाएगा, -2 होते ही इसका आ जाएगा 4, और उसका भी आ जाएगा 4। बी सी भी आपका √8 आ रहा है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे सी डी, -3, -+1 उसका आ गया 4, प्लस 0 में से 2 गया, उसका स्क्वायर होएगा 4, अगेन √8। उसके बाद आएगा डी ए, देखिए -1, +3 हो जाएगा माइनस, वो तो फिर से 4 आ गया, प्लस -2, 0, फिर से 4 आ गया 8। सर ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, बिकॉज 4 साइड इक्वल है। अब हम डायगोनल चेक कर लेते हैं, तो आपको भी पता है सर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा ए बी सी डी, डायगोनल कौन से होंगे, ए सी एंड बी डी। तो हम ए सी निकाल लेते हैं, ए और सी -1 एंड -1 करेंगे, तो -1 हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, प्लस 2, +2, 4 आ गया, सॉरी 2 था, -1 हो गया, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा 16, ये आ गया 4। ए सी के बाद बच्चों बी डी फाइंड करेंगे, देखो -3 है और -1 उसका स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, देखो कैसे किया सर, -3, -1, तो -3, +1 आ जाएगा, 2 आएगा, उसका स्क्वायर 4 होगा, 0, -2, तो 0 प्लस 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, 8 आ गया। बच्चों क्या हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, तो एक बार चेक कर लीजिए आप, एसी को देखिए आप, एसीसी को माइनस वन, फिर माइनस माइनस, ये जीरो हो गया, ये टू और टू फोर, उसका स्क्वायर 60। अब बी डी पे आ जाओ, बी और डी पे, तो माइनस थ्री माइनस वन, बी और डी पे करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक कर दी ना हमने। देखो हमने ए को देख लिया, बी और डी को देखना, माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर हो गया, उसका स्क्वायर होता है 16, जीरो माइनस जीरो तो ये फोर आ जाएगा। इट मीन सर फोर साइड भी इक्वल आ रही है, दोनों डायगोनल भी इक्वल आ रहे हैं, ये किसके वर्टेक्स हैं, स्क्वायर। बच्चों इसमें सेकंड पार्ट आप ही करेंगे, थर्ड पार्ट भी आप करेंगे, बट बच्चों आपका एक डाउट ऐसा आ सकता है, सर फोर साइड भी इक्वल नहीं आई, ठीक है, और तो अपोजिट साइड इक्वल आ जाएगी, सर अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं आई। सपोज करो अपोजिट साइड इक्वल आती तो डायगोनल इक्वल हो जाता, तो रेक्टेंगल हो जाता, और अपोजिट साइड इक्वल आ जाती और डायगोनल इक्वल नहीं होते तो पैरेललोग्राम हो जाता। बट सर अगर अपोजिट साइड भी इक्वल नहीं आई और फोर साइड भी इक्वल नहीं आए, डायगोनल भी इक्वल नहीं आए, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इस केस में आपका कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। तो आप क्या कह देंगे, पहले तो आप केयरफुली अपने कैलकुलेशन को चेक करना, अगर ऐसा आए तो कहीं ना आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी, और इफ़ यू आर करेक्ट इन योर कैलकुलेशन इट मीन्स देर इज नो क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल बाई गिवन फोर पॉइंट्स, उन फोर पॉइंट्स से कोई भी क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल नहीं होगा। इज इट क्लियर बच्चों, अगेन लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब बच्चों एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट हम कह देते हैं वो सपोज करो पी है, एक्स एक्सिस पे एक्स तो हमेशा होगा बट वाई क्या होगा, जीरो। तो ये है आपका पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, बता दिया आपको पहले, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा, एंड ऑन द वाई एक्सिस वाई विल बी, एक्स विल बी ऑलवेज जीरो। ऑन द एक्स एक्सिस वाई ऑलवेज जीरो, ऑन द वाई एक्सिस एक्स इज ऑलवेज जीरो। इज इट क्लियर बच्चों, पी एक्स कॉमा जीरो हो गया। अब क्या कह रहा है, ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट जो है वो इक्विडिस्टेंस है किस पॉइंट से, मान लो एक पॉइंट है ए, वो पॉइंट है 2, -5, दूसरा पॉइंट आपका बी, वो पॉइंट कितना है -2, -9। क्या कह रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ये जो पी पॉइंट है एक्स एक्सिस पे है वो ए और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आपको वो पॉइंट ही तो बताना है। जैसे हमने पहले किया था वाई एक्सिस वाला एग्जाम्पल में, तो वाई का वैल्यू निकाल लिया था तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट आ गया था, क्योंकि एक्स तो वहाँ जीरो होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो है इसलिए हम एक्स वाला पॉइंट निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है, 2, -5 -2, -9। बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखिए, देखिए इसका मतलब P का जो A से डिस्टेंस होगा वो P से B के डिस्टेंस के इक्वल होगा। फिर मैंने बताया था आप होल स्क्वायर कर दे ताकि आपका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर से। अरे ऐसा क्यों होता है, जैसे सपोज करो A है, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट का मतलब सर पावर हमेशा 1/2 होता है, एंड होल पावर अगेन 2 है, तो सर पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, 2 से 2 कैंसिल आ गया, क्या मिला आपको a रेस टू पावर 1, तो वो a ही होता है, तभी तो बोलते हैं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर दो, ठीक है। p a तो बच्चों कितना हो गया 2 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर कर देंगे 2 - x हो गया x2 -5 -0, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 25, दैट इज इक्वल टू पी बी -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 कितना हो गया, 9 का स्क्वायर 81। अब आप इसको होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों कितना हो गया 4 - 4x + x² + 25।
सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ए प्लस बी का, कन्फ्यूज नहीं होना, ए प्लस बी का लगेगा क्योंकि दोनों माइनस में, देखो कैसे सर माइनस टू है माइनस एक्स है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अगर आप दोनों से माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में यही बचेगा, बट सर इस पूरे पे पावर टू है, सर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, बचेगा कौन, टू प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो आपको हमेशा जब दोनों माइनस में आए तो ए प्लस बी ही लगाना है, तो टू स्क्वायर फोर, फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। इज इट क्लियर बच्चों? अब इसको देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ध्यान दीजिए। अब देखो x के साथ x वाले को रख लो माइनस फोर एक्स, और उस x को भी इधर लेंगे माइनस फोर एक्स, दोनों x वाले सोल्व हो गए, हाँ या ना बच्चों? अब देखो 81 और 4 कितना होता है 85, इधर से देखो 25 और 4 हमेशा कितना होगा 29, या दोनों को उधर भेज के इसे सोल्व कर लो, किसी को कोई दिक्कत है? ये कितना हो गया माइनस 8x, 85 माइनस 29, ठीक है बच्चों? 85 में से अगर आप 30 माइनस करते तो 55 आता, बट 29 ही कर रहे हैं तो 56 आ जाएगा, ठीक है बच्चों? इसमें कोई डाउट है? इट मीन सर यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, माइनस तो अपने आप लग जाएगा 56/8, इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -7। तो वो जो पॉइंट है आपका x एक्सिस पे क्या था, x कोमा जीरो था, आपने x का वैल्यू निकाल लिया तो वो आपका पॉइंट हो जाएगा -7.0। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है? आप वेरीफाई करने के लिए यहाँ पुट कर दो, देखो एग्जाम में नहीं करना बस बता रहा हूँ, 2 माइनस x का वैल्यू -7 आया, 2 प्लस 7 हो गया +25, दैट इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस फिर से वापस 7। हम यहाँ पे वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं, 81 प्लस 25, ये 25 वो 81, क्या दोनों साइड हमारी इक्वल नहीं होगी? तो ये वेरीफाई भी हो गया, जस्ट आपके आंसर को कंफर्म करने के लिए मैंने वेरीफाई किया, आपको नीड नहीं है करने के लिए अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो, ठीक है बच्चों? आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन लेट मी चेक द कैमरा, यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन, अब बच्चों इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आपको क्या बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। चलो बच्चों हम ये 3 क्वेश्चंस रह रहे हैं आज, टुडे आई एम फीलिंग टाइट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो सॉल्व कर लेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? थैंक यू, हैव ए नाइस डे।